Hello and welcome back to my YouTube channel. And this video is number part 3 video. And if you have not watched the previous one, the part 1 and part 2, so after watching this, go and check out. So let's move towards this video. And I'm gonna analyze the next few questions that were asked in UGC NTA-NET Library Information Science. So chaliye shuru karte hain. Let's get started. And if you are new here, so don't forget to subscribe and hit the बेल आइकन एंड वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करें. ओके सो चलिए शुरू करते हैं. सो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर. दैट क्वेश्चन इज वेरी 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 सुपर सिंपल क्वेश्चन. सो विच अमंग द फ्लोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी चैनल ऑफ कम्युनिकेटिंग रिसर्च. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब रिसर्च स्टार्ट की जाती है सो उस समय जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो इसमें से क्या क्या होंगी, जो कि ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे. सो दैट मीन्स ये चैप्टर्स पूछा गया, इंफॉर्मेशन सोर्सेज से क्वेश्चन पूछा गया, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड टर्शियरी सोर्सेज, राइट. सो दिस वन इज फॉर प्राइमरी सोर्सेज. तो आपको आइडेंटिफाई करना था इसमें कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है. जर्नल है, इंसाइक्लोपीडियाज है, थीसिस है या बायोग्राफीज है, राइट. सो यहाँ पर जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपका जर्नल है एंड सेकेंड वन इज थीसिस है. इंसाइक्लोपीडियाज इज सेकेंडरी सोर्सेज एंड बायोग्राफीज इज ऑल्सो सेकेंडरी सोर्सेज, राइट. सो लेट्स मूव टू अदर सेकेंड. सो सेकेंड है क्या, सिलेक्ट द एक्सपर्ट सिस्टम फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग. इसमें पूछा गया था कि यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सा जो सिस्टम है एक्सपर्ट सिस्टम है, राइट. सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था सिस्टम से, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, एक्सपर्ट सिस्टम TSC ट्रांजेक्शनल सपोर्ट सिस्टम. सो सिस्टम से पूछा गया था क्वेश्चन. तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. मतलब ये एक टॉपिक हो गया, इस टॉपिक को आपको पकड़ना है एंड यू हैव टू जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना है. यू हैव टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट डाउन द इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू रिवाइज देम, राइट. सो यहाँ पर क्वेश्चन है था एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में आपको पहचानना है. सो यहाँ पर चार ऑप्शन है, एक डीपिन है, प्रोस्पेक्टर्स है, रिएक्टर है, माइसिन है, राइट. सो यहाँ पर जो थ्री ऑप्शन है, प्रोस्पेक्टर, रिएक्टर एंड माइसिन, ये थ्री वन ये जो थ्री है एक्सपर्ट सिस्टम है, राइट. सो आपको एक लिस्ट बना लेना होगा कि एक्सपर्ट सिस्टम जो कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से. तो आपको पाँच दस करके आपको एक लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगा. सो आप उसको याद रखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्सपर्ट सिस्टम इसमें से कौन कौन से हैं. सो यहाँ पे एक जो ऑप्शन है डीपिन, DEEPIN, ये एक एक्सपर्ट सिस्टम नहीं है, ये एक क्या है, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 2004 में से रिलीज किया गया था. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है कि आप जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अब तक आए हुए हैं, तो उसके एक हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको एक जगह आप लोग उसको लिस्ट डाउन कर सकते हो. एंड मैं भी बिल्कुल कोशिश करूंगा, जैसे जैसे मुझे चीज़ें मिलती रहेंगी मैं धीरे धीरे से अपलोड करूंगा, या तो वीडियोस के फॉर्म में मैं कर दूंगा या फिर मैं अपने जो वेबसाइट है libraryscienceviki.com वहाँ पर मैं उसे अपलोड कर दूंगा. सो आप टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहें वेबसाइट्स को भी. सो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगे, राइट. सो आई होप आपको ये समझ में आया. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट हु ऑथर द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. तो पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन, पूछा गया कि एक बुक है, दैट बुक वाज रिटन बाय, इनमें से कौन है जिन्होंने लिखा बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. सो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का बुक लिखा गया, यानी मैनेजमेंट की चीजें से क्वेश्चंस पूछे जाती हैं. सो आपको ये जो कुछ नाम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, फ्रेडरिक टेलर हैं, FW टेलर जिसे बोलते हैं, एंड्री फ्यूल हैं, हेनरी मिंसबर्ग है, हर्ज़बर्ग हैं, पीटर ड्रकर हैं. सो जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं, राइट. सो उन्होंने क्या दिया, कब दिया,
तो वो सब चीजें अगर आप एक जगह कलेक्ट कर लेते हो, स्पेशली जो मैनेजमेंट के फील्ड्स के रिलेटेड है, सो आपको एक कंफ्यूजन जो होती है, बार बार कंफ्यूजन होती है कि ये किसने दिया, फिर क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में, न्यू क्लासिकल एंड अलग अलग तरह के जो भी मैनेजमेंट थ्योरीज दिए गए हैं, सो अगर वो आपको एक जगह अच्छे से उसको आप नोट्स तैयार करते हो, प्रिपेयर करते हो, तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। ई ज्ञान कोश है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, एपीजी पाठशाला है, वहाँ से आपको अच्छे से मिल जाएगा। सो बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी सी अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है कि यस वी कैन, आई कैन डू इट, एंड मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ। सो आप लिखो और देखो, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में से किसने लिखा, तो ये जो बुक है वो लिखा गया था 1954 में पीटर ड्रकर के द्वारा, और जिन्होंने इसी बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया था एमबीओ को, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, थियोडोर हॉम नेल्सन फाउंडेड द प्रोजेक्ट ज़ैंडू इन द ईयर, तो टेड नेल्सन को ही थियोडोर होम नेल्सन कहा जाता है। तो ये जो टेड नेल्सन है, इन्होंने ही आपको हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, टर्म है, इन्हीं का दिया हुआ है, टेड नेल्सन का। तो उसी में बताया गया टेड नेल्सन ने एक फंड प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट फंड किया था जिसका नाम था ज़ैंडू, या यू कैन से झंडू, जो भी आप कर लो एज यू विश, झंडू ज़ैंडू। तो ये किस ईयर में ये बनाया गया था, राइट? सो ये किया गया था, फाउंड किया गया था टेड नेल्सन के द्वारा 1960 में, 1960 में टेड नेल्सन के द्वारा बनाया गया था। सो और इसका जो मिशन था, वो मिशन था टू रेज पॉपुलर सॉफ्टवेयर सिमुलेट्स द पेपर, तो ये इसका मिशन था। और ये इन्होंने डिक्लेयर किया था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट ज़ैंडू हैव द डिक्लेयर इट द सुपीरियर टू द वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें बताया गया था ये वर्ल्ड वाइड वेब से ज़्यादा सुपीरियर होगा, ऐसा इन्होंने बताया गया था, लेकिन कुछ ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ नहीं, चला नहीं। सो नाउ आपको यहाँ अब करना क्या है कि जो भी टेड नेल्सन है, ठीक है, और टिम बर्नर्स-ली है, तो ये दो ऐसे पर्सनालिटी है, इसके बारे में बार बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, राइट? सो आपको एक सिंपल सा करना क्या है, टेड नेल्सन के बारे में आपको कुछ डिटेल्स निकालनी होगी, तो आप सिंपली सर्च करो टेड नेल्सन एंड गो टू द विकिपीडिया, और वहाँ पर आपको टेड नेल्सन के बारे में बहुत ही अच्छे से एक लिखा हुआ आर्टिकल मिल जाएगा, आपको सारी हिस्ट्री पता चल जाएंगी, और टेड नेल्सन के साथ साथ और कौन कौन लोग हैं जो एसोसिएट हैं, आपस में जुड़े हैं, सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ से, राइट? सो जाइए और जरूर ये काम कीजिएगा, राइट? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ये क्वेश्चन है यूनेस्को कंसेप्चुअल मॉडल, वन सेकेंड, राइट? सो इन यूनेस्को कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL 2013, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सर्कल रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड द मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। तो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, एक करेंट टाइप का क्वेश्चन था। सो आप इसमें बताना आपको क्या था कि एक यूनेस्को ने एक मॉडल दिया था, एक कंसेप्चुअल मॉडल दिया था, दैट मॉडल नेम्ड एज मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL, जो कि 2013 में दिया गया था। तो इसमें उन्होंने जो कंसेप्चुअल मॉडल दिया था, दैट मॉडल रिप्रेजेंट्स द फ्यू सर्कल्स, वन सर्कल, टू सर्कल एंड थ्री सर्कल्स, सो दिस सर्कल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस मॉडल, राइट? सो ये जो सर्कल्स था, तो इस सर्कल में जो एक सर्कल है, इसमें पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि ये जो सर्कल है, तो उसमें एक सर्कल था, वो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड द मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, वो बाय विच मीन्स इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड, यानी और किस मीन्स से, किस साधन से वो कम्युनिकेट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, तो एक पर्टिकुलर सर्कल वो चीज़ को बता रहा है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रहा है, किसी के थ्रू कर रहा है, किसी मीडिया के थ्रू कर रहा है, बाय किसी मीन्स के थ्रू कर रहा है, तो वो कौन सा सर्कल था,
सेंट्रल सर्कल है, फाइनल सर्कल है, या द सेकेंड सर्कल फ्रॉम द सेंटर एंड द थर्ड सर्कल फ्रॉम द सेंटर। तो ये चार ऑप्शन थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये MIL है क्या। तो मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, ये इज अ कंपोजिट सेट ऑफ नॉलेज, इज लाइक अ कंपोजिट सेट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, कॉम्पिटेंसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट अलाउ इफेक्टिवली एक्सेस, एनालाइज, क्रिटिकली इवेल्युएट, इंटरप्रेट, यूज, क्रिएट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन एंड मीडिया प्रोडक्ट्स विद द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग मीन्स एंड द टूल्स ऑन ए क्रिएटिव, लीगल एंड एथिकल बेसिस। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा, सो मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि MIL है क्या। तो MIL एक कंपोजिट यानी सबको मिलाया हुआ, किसे, नॉलेज को, स्किल को, एटीट्यूड को, कॉम्पिटेंसीज को, ये सब चीज को आपस में कंपोजिट किया गया है, मिलाया गया है और अलाउ इफेक्टिवली, ताकि इसको एक्सेस किया जा सके, इफेक्टिवली एक्सेस किया जा सके, इफेक्टिवली एनालाइज किया जा सके, इफेक्टिवली क्रिटिकली इवेल्युएट किया जा सके, इंटरप्रिटेट किया जा सके, इफेक्टिवली यूज किया जा सके, क्रिएट किया जा सके, डिसमिनेट किया जा सके, तो ये सब किया जा सके, जितने भी मीडिया प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को, जितने भी इंफॉर्मेशन है उन सबको एक्सेस, एनालाइज, क्रिटिकली इवेल्युएट, इंटरप्रिटेट, यूज, क्रिएट एंड डिसमिनेट, ये सभी मीडिया प्रोडक्ट्स को किया जा सके। वाई विच, विद द हेल्प ऑफ टूल्स, बाय द विच विद द हेल्प ऑफ मीन्स, राइट। और ये डिसमिनेट होगा, मीडिया प्रोडक्ट डिसमिनेट होगा बाय द हेल्प ऑफ टूल्स, और ये कैसे, तो एज ए क्रिएटिव वे, एज ए लीगली वे, एज ए इथिकल वे, तो इस सब तरह से उसको डिसमिनेट किया जाएगा मीडिया प्रोडक्ट्स को, ताकि उसका एक्सेस इफेक्टिवली हो जाए। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिहाइंड द MIL, मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सो आपके सामने ये दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है, दिस इज द MIL विच वॉज गिवन बाय द यूनेस्को। सो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, ये चार सर्कल दिख रहा है। तो जो फर्स्ट सर्कल है, जो सेंटर सर्कल है, ठीक है, तो यही जो सेंटर सर्कल है, वही सेंटर सर्कल बताता है द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड द मीन्स बाय व्हिच इंफॉर्मेशन कम, यानी टूल्स के बारे में बताने का काम करता है ये सेंट्रल सर्कल, राइट। सो यहाँ पर जो आंसर भी होगा वो सेंटर सर्कल होगा। फिर आते हैं सेकेंड जो सर्कल है, दैट डिनोट्स द पर्पस, ये पर्पस को दिखाता है। द सेकेंड सर्कल डिनोट्स द पर्पस, ये समराइज द रिसर्च फाइंडिंग्स ऑन द रीजन व्हाई द पीपल यूज इंफॉर्मेशन एंड एंगेज विद द मीडिया, क्यों पीपल यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को, क्यों पीपल एंगेज होते हैं इंफॉर्मेशन को, तो ये सेकेंड सर्कल में बताता है। तो ये सेकेंड सर्कल में ये चीज लिखा हुआ है, चारों तरफ आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, दैट इज पर्पस, राइट। अब आते हैं थर्ड सर्कल में, ये जो थर्ड सर्कल है दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ दिस सर्कल डिनोट्स द अंडरस्टैंडिंग, एंड यहाँ पर आपको रिफर्स टू द बेसिक नॉलेज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव अबाउट द ऑपरेशन, फंक्शंस, नेचर एंड एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स। जो लास्ट वन जो फोर्थ है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस एंड प्रैक्टिस, ये जो लास्ट है ये प्रोसेस एंड प्रैक्टिस का सर्कल है। सो यहाँ पर कम्युनिकेट्स द वेरियस स्टेप्स दैट शुड बी टेकन फ्रॉम द कॉम्पिटेंसीज, सिटीजन शुड पॉसिबल इफेक्टिवली क्रिएट एंड यूज इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया कॉन्टेंट इथिकली, यानी जो लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन एंड जो भी कॉन्टेंट है उसको क्रिएट करेंगे इथिकली, क्रिएट करेंगे एंड प्रोवाइड करेंगे टू द सोशल, टू द इकोनॉमिक, टू द पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड पर्सनल लाइफ्स के लिए, राइट। सो ये बेसिकली MIL का सर्कल था, ठीक है। सो नाउ आपको करना क्या है कि जो मैंने पहले भी बता कर रखा आप लोगों को कि जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक यूनेस्को है, इफ्ला है, ALA है, फिर इंडिया का ILA है, तो इतने जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे ILA का भी करंटली में एक इलेक्शन हुआ था तो उसमें फिर नए प्रेसिडेंट आए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में हो रही हैं, उनका कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई सेमिनार चल रहा है, तो ये सब चीज़ें का जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो आप उसके वेबसाइट पर जाएं, यूनेस्को की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ जो भी इवेंट्स हो रही हैं, जो भी नए लेटेस्ट न्यूज़ आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाती है। तो उस
सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी वेबसाइट आप चेकआउट करते रहें, एग्ज़ाम के एक महीने पहले भी कर लेते हो काफ़ी होगा, सो भूलना मत, वो भी आपको करना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि ओपन, इसमें से आपको बताना था कि ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इसमें कौन है। तो एक है ओप्लस है, लाइब्रेरियन है कोहा, एवरग्रीन LIS है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको जितने भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं तो उसको आपको याद रखने और उसके फाउंडर आपको याद रखने एंड कोशिश करें कि आप डेट भी याद रख पाओ उसे। तो यहाँ पर जो ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, तो ओप्लस है, नाम से ही पता चल रहा ओपन सोर्स है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ये ओप्लस है। कोहा है, कोहा बहुत ही फेमस है आपको भी पता है, एंड एवरग्रीन LIS ये बहुत फेमस है जो आप सबको ही पता ही होगा। तो ये तीनों है जो ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था मोबाइल ऐप BARD BARD इज मीन फॉर द पीपल विद। एक मोबाइल ऐप BARD बनाया गया था, ये किसके लिए बनाया गया था? हियरिंग इम्पेयरमेंट्स के लिए, मेंटल इलनेस वाले लोग के लिए, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के लिए, या विजुअल इम्पेयरमेंट यानी जिसको देखने में प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट है। तो ये जो BARD बनाया गया था वो बेसिकली बनाया गया था विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, यानी जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए बनाया गया था। BARD BARD मोबाइल ऐप ये बनाया गया, इसका नाम ही है ब्रेल एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रीडिंग डाउनलोड्स मोबाइल ऐप इज डेवलप्ड बाय द नेशनल लाइब्रेरी सर्विस फॉर ब्लाइंड एंड प्रीड डिजेबल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इस ऐप को बनाया गया है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, सो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस। सो मुझे वहाँ पर आप मैसेज करना। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना अगर आपको कैसा लगा या कुछ आपको बताना हो, सो कमेंट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।